चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा की तथा लखनऊ के केजीएमसी में अब तक 1,00,000 की टेस्टिंग किए जाने पर उसकी सराहना की। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि जिले में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए जिससे संक्रमण को रोका जा सके। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित चिकित्सक मौजूद रहे। तेजी पकड़नी चाहिए थी, वो कुछ लैब्स को छोड़कर बाकी लैब्स तेजी नहीं पकड़ पाए हैं। सबसे पहले तो मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी को बधाई दूंगा, उनकी टीम को बधाई दूंगा, जैन और उनके साथ में डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी, कि आपने आज 1,00,000 टेस्ट पूरे कर लिए। डीजी साहब देख लीजिए, ये आज एक बहुत सुखद बात है कि 1,00,000 टेस्ट KGMU ने पूरा किया है और ये कंट्री की लीडिंग लैब है। एंड आई बिलीव डॉक्टर जैन हैज डन अ ह्यूमन सर्विस इन एस्टैब्लिशिंग दिस लैब एंड टेकिंग इट टू दिस लेवल। और मुझे लगता है इसी तरीके से बाकी भी हमारे जो SODs हैं माइक्रोबायोलॉजी के अपने अपने कॉलेजेस में, अब एक मौका है आपके सामने अपनी लैब को उस लेवल तक ले जाने का। Not only institutes like BGI, Loya, Safai, but also colleges, जो बड़े-बड़े colleges हैं, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, आपके यहाँ भी एक मौका है अपनी labs को एक उस level पर ले जाने का, और जो principals हैं यहाँ के, वो एक catalyst के रूप में काम कर सकते हैं। आपके सामने उदाहरण है, क्या नहीं है? इधर हमारे पास बैटमैन की मशीन आई है KGMU में, पर्किंस की मशीन आई है SGPGI, और कानपुर में RNA extractors, genetics के, Z-Bio के अलग अलग जगह गए हुए हैं। बहुत से RNA extractors लोन पर भी हमने दिए हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में दो दो भी हो गए थे जिनकी अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। और आगे भी हमारे पास थर्मो फिशर के RNA extractors आ रहे हैं, और गवर्नमेंट इंडिया भी 14 RNA extractors भेज रही है, तो उनका भी एक टाइम टेबल मिला है जिसमें आई बिलीव मंडे को 27th को BHU में और गोरखपुर में RMRC में RNA extractor आ रहा है। तो अभी जब हम चर्चा करेंगे तो RMRC और BHU इसको बताएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि क्या आपके पास वो RNA extractor आ जाएगा, तो फिर पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो RNA extractor वापस कर दें। आपने समझाई आपके पास है, मैंने बताया कि उनके पास किट्स नहीं है, हम आपको किट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं उसके लिए, फिलहाल 15-20 दिन होने वाले के लिए, जब तक आपके पास ICMR का एक्सट्रैक्टर AMU में नहीं आ जाता, तो आप उस एक्सट्रैक्टर को अपने किट्स के साथ चलाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमने आप